नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में बाइनेंस के रिगार्डिंग एक अपडेट था मेरे पास। तो इसमें इन लोगों ने लिखा है हैप्पी न्यू ईयर, अ कॉम्पिटिशन फॉर ऑल बाइनेंसियंस एंड वीईएन फैन। अभी ये वीईएन क्या है? ये एक्चुअली एक कॉइन है, वीचेन। आप लोगों ने क्या करना है इसके लिए कि 30 तारीख से लेके 5 जनवरी तक का, यानी कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक का ही चलेगा इसका जो टाइम पीरियड है इस कॉम्पिटिशन का। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, ये जो कॉइन है वीचेन, इसकी बाइंग और सेलिंग करनी है। घटे दाम पे खरीदो, बड़े दाम पे बेचो। अगर जिसको ट्रेडिंग पता है कैसे करते हैं तो वो बंदा करे इस चीज़ को, जो लोग करते हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं वो कर सकते हैं। और इसमें फॉर्मेट इनका ये है कि टू सेलिब्रेट अ हैप्पी न्यू 2018 ऑल बाइनेंस यूजर दैट ट्रेड एटलीस्ट 1 BTC इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ VEN बाय एंड सेल्स ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन पीरियड विल बी पुट इन टू अ लकी ड्रॉ विद द फॉलोइंग फॉर्मेट। इसमें इन लोगों ने लिखा है कि जो भी बंदे, जो भी बाइनेंस के यूजर हैं, अगर वो बाइंग और सेलिंग करते हैं VEN की, वी चेन की, और अगर वो बाइंग और सेलिंग का ट्रेडिंग वॉल्यूम इन 5 दिनों के दौरान, इन 6 दिनों के दौरान 1 BTC के बराबर हो जाता है, तो उनमें से जितने भी लोग पहुंचेंगे वहां तक का, उनमें से 61 लोगों को लकी विनर के तौर पे वो लोग निकालेंगे, 61 लोगों को। और जो उनमें से एक बंदा होगा वो होगा BMW का मालिक, यानी कि ये कार देने वाले हैं उस बंदे को, BMW i8। ये कार एक बार देख लो। कई सारे बंदे मेरे से कह रहे थे पिछले बार वाले में, ऐसी मजाक के उस पर कह रहे थे कि यार लैम्बोर्गिनी तो ले आएंगे लेकिन तेल कौन पिलाएगा, लैम्बोर्गिनी में तेल कैसे डालेंगे। बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन देखो ऐसा है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। देखने में क्या हर्ज है यार, देख सकते हैं उस चीज़ को, आए ना आए वो तो बात की बात है ना। ये देख लो कार, देख लो एक बार, ज़बरदस्त कार है भाई। मॉडल ये लोग जो जो चीज़ें लाते हैं ना, लाते बड़ी ज़बरदस्त है यार। कार भी लाते तो ऐसा नहीं कि कोई गिव अवे के नाम पे चीज़ होनी चाहिए, ज़बरदस्त वाली वो देते हैं बाइनेंस वाले। अभी तुम इनके अगर गिफ्ट ही देखोगे ना, जितना इन लोगों ने बांट दिया है बाइनेंस वालों ने, उतने में तो कितने एक्सचेंज बन जाएंगे, समझना बात को। उतने में अगर कायदे में देखा जाए ना तो कितने एक्सचेंज बन जाएंगे, अगर हम बनाना चाहें तो छोटे मोटे एक्सचेंज बना सकते हैं। अभी ये देखो क्या कह रहे हैं कि 4.2 सेकेंड में 0 से 60 mph की स्पीड पकड़ लेती है कार। इसके अलावा 357 हॉर्स पावर का इसका इंजन है, और उसके अलावा जो इसकी MRP लिखी है, MSRP पता नहीं ये चीज़ क्या होती है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ वो 90 लाख से 1 करोड़ के समथिंग ये बैठेगी। बाकी बिल्ड योर ऑन, इसका मतलब ये है कि आप अपना भी कस्टमाइज करा सकते हैं, यही होगा इसका मतलब। बाकी ये कार है भाई, देख लो ज़बरदस्त कार है, ठीक है। अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है, जो ट्रेडर हैं, जो बड़े अमाउंट पे करते हैं काम, अगर आप में से कोई वो बंदा हो तो वो कर सकता है। और करना कुछ नहीं है, बाइंग और सेलिंग करनी है। अगर 1 BTC के बराबर पहुंच जाते हो तो ये लोग, मैंने जो देखा है ना, मैंने इनके वीडियो देखे हैं जब ये वो करते हैं ना, जब ये निकालते हैं लकी ड्रॉ वाला, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई ऐसा नहीं कि उसमें झूठ फरेब होता है, जो मुझे लगा। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बातें हैं। कई सारे बंदे यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग वाकई में नॉर्मल बंदे हैं, हम तुम जैसे बंदे हैं, उन लोगों ने इनाम जीते हैं यहाँ से। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि वी विल देन कंप्लीट अनदर 60 लकी ड्रॉज 1 by 1। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, पहले तो एक का निकलेगा जिसको BMW i8 मिलेगी, उसके बाद 60 लोगों को एक एक करके वो निकालेंगे, जिसमें ये कह रहे हैं कि बाइनेंसियंस इक्वली स्प्लिटिंग अ पूल ऑफ 3 लाख VEN और 5000 VEN ईच। मतलब 5000 जो VEN है, यानी कि वी चेन जो है, 5000 एक एक बंदे को मिलेगा, ऐसे ही कह रहे हैं फिर ये लोग। तो 190 के हिसाब से 5000 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना बनता है उतना तुमको मिल जाएगा वी चेन, अगर तुमने इन 6 दिनों के दौरान 1 BTC के ऊपर की ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर तुम्हारी होती है बाइंग और सेलिंग की। तो ये इन लोगों ने बताया है, बाकी इसके अलावा दूसरा भी है वो तुम खुद पढ़ लेना, इस चीज़ के बारे में मैंने बताना था, ये मैंने आपको बताया। तो भाई ये था इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।